हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेबी के वेबसाइट पे 16 जनवरी 2019 को एक सर्कुलर अपलोड हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने एक नया मॉडिफिकेशन दिया है कि अब तक ये जो प्रीवियस सर्कुलर था 2010 का, उसके हिसाब से जो म्यूचुअल फंड थे उनको सिर्फ हैचिंग वगैरह करना अलाउड था, वो भी 10 या 15% तक कुछ लिमिटेड था। मगर अभी जो नया ये सर्कुलर है, इसके अकॉर्डिंगली जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास जो भी पैसा है या फिर इक्विटीज़ जो शेयर्स हैं उनको कवर करके वो कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। आपको पता होगा या फिर मुझे वो अज्यूम करना होगा कि आपको पता है, क्योंकि वो एक अलग स्ट्रेटेजी कवर्ड कॉल करके, जिसके अंदर आपके पास एक लॉट जो कॉल का होता है या फिर पर्टिकुलर शेयर का, तो उतने शेयर होंगे तो उसको कवर करके आप एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, जिसका अगर वो ट्रिगर नहीं होता है तो फिर उसका जो प्रीमियम है कॉल बेचने के बाद मिलता है वो आपको मिल जाएगा और कॉल जो है वो भी आउट ऑफ मनी एक्सपायर हो जाएगा और वो बेनिफिट करके आता है। तो वैसा एक बेनिफिट म्यूचुअल फंड को अभी मिलने वाला है। तो उसके कुछ कंडीशन यहाँ पे दिए कि इनको अगर कवर कॉल स्ट्रेटेजी के अंडर कॉल बेचना है तो वो निफ्टी 50 या फिर BSE सेंसेक्स के शेयर्स के लिए बेच सकते हैं। उसका जो वैल्यू है वो टोटल कॉल रिटर्न बाय स्कीम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन दैट स्कीम। जो टोटल उसके अंदर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड का, उसके 15% से ज़्यादा वो नहीं हो सकता है कॉल ऑप्शन, उससे ज़्यादा वैल्यू के वो लिख नहीं सकते, सॉरी राइट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। और दूसरा जो है उसके अंदर एन एनकम्पर्ड जो शेयर्स हैं, मतलब जो सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म में या फिर मार्जिन करके कहीं पर मार्क किए गए, तो वो 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वैसे शेयर्स जो मार्क किए हुए वैसे। उसके बाद में अगर कोई मूवमेंट होता है और ये ब्रीच करते हैं लिमिट 15% और 30% का, तो वो रीबैलेंस करने के लिए उनके पास 7 डेज होंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट उसके अंदर दिया हुआ है कि ये जो भी कॉल राइट वो करेंगे तो उनकी पोजीशन जो भी है शेयर्स की वो हैज होनी चाहिए, वो हैजिंग का इस्तेमाल उनको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये जो भी चेंजेस वो करेंगे या फिर कॉल राइट करेंगे उसकी डिटेल्स, उनको अंडरलाइंग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो पूरे कॉलम दिए ये हिसाब से उनको ये फॉर्मेट में उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को या फिर सेबी को बताना होगा ऐसे ऐसे उन्होंने कॉल राइट किए हुए, और बाकी जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है वो भी उनको सब फॉलो करने पड़ेंगे। तो इससे एक ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम सोचेंगे तो एक ये हो जाएगा कि जो कॉल सेलिंग का या फिर ऑप्शंस मार्केट है वो थोड़ा हेल्दी बन सकता है, और टेम्पररी ऐसा लग सकता है कॉल राइटर्स को कि उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, ओवरऑल कॉल का जो प्रीमियम वैल्यू है वो थोड़ा रिड्यूस हो सकता है सेलर्स बढ़ने की वजह से, क्योंकि इनके पास तो गारंटेड ऑप्शन है कि ये सेल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे अमाउंट में शेयर्स होते हैं, तो उसका 15% अगर ह्यूज क्वांटिटी में पकड़ेंगे तो बहुत अमाउंट में कॉल ऑप्शन सेल होंगे, तो उसके वजह से ओवरऑल प्रीमियम पे एक इम्पैक्ट हो सकता है। मगर अगर लॉन्ग टर्म का सोचें तो ओवरऑल ऑप्शंस मार्केट को हेल्दी करने का एक मूव है। जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका वगैरह जैसे जो बड़े मार्केट्स है यूके के वगैरह, तो वहाँ पे ऐसा पहले से अलाउड है, तो इंडिया में ये अभी धीरे धीरे ये चेंजेस हो रहे हैं, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये एक अपडेट था सेबी का जो कि ऑप्शंस मार्केट को या फिर ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। शेयर मार्केट फ्रेंड को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।